जय माता दी। आइए जानते हैं विशेष हमारे बच्चे के लिए जो वास्तु टिप्स है क्या है, बच्चों का कमरा कहाँ होना चाहिए, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होना चाहिए। तो बच्चे जहाँ स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस रूम में या तो पीला कलर का लाइट हो या ग्रीन कलर का लाइट होना चाहिए, और उसमें ईशान कोण में उनका जो है ना बैठने का स्थान होना चाहिए, जहाँ वो स्टडी टेबल रखते हैं वहाँ पढ़ने के लिए, और कोई भी वहाँ मतलब इस तरह की चीज़ें लोहा का या बिजली का आइटम वहाँ नहीं रखना है। वहाँ पर ग्रीन पर्दा हो या येलो पर्दा हो, इस तरह का आप वाइट वॉश करा सकते हैं, इससे उनको अच्छा पढ़ाई में लाभ होगा। और जब वो बैठेंगे स्टडी करने के लिए तो उनका जो मुख होगा वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरह होना चाहिए, और उनके पास में थोड़ा सा ग्रीन टी हरा भरा चीज़ें होना चाहिए, शुभ रहेगा। जय माता दी। .com इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, नौकरी, करियर, व्यवसाय, मांगलिक विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी उसे पूर्व से हो तथा उसे अपने अनुकूल बना बन जाए। इसके माध्यम से शिक्षा, नौकरी, करियर, व्यवसाय, मांगलिक विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है।